नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं मुकेश प्रयास YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं पढ़ाई चल रही होगी। आज हम पॉलिटी की श्रृंखला में राज्य के नीति निदेशक तत्व पर डिस्कस करने आए हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज जो मेरा चर्चा का विषय है वह है राज्य के नीति निदेशक तत्व, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं DPSP। इस टॉपिक्स को हम दो पार्ट या तीन पार्ट में लेकर आएंगे। यह उसका पहला पार्ट है क्योंकि बड़ा टॉपिक्स है, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों को देखना होगा, इसलिए यह टॉपिक्स एक दो पार्ट में आ जाएगा, तो ध्यान देने की जरूरत है। क्रम से इसको देखेंगे तो इस टॉपिक से फिर किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाए वह आपका नहीं छूटेगा, तो ध्यान देने की जरूरत है इसमें इस टॉपिक्स पर। इस टॉपिक्स का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, इसको समझने की जरूरत है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि ये किसी भी सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। नीति निदेशक तत्व कोई भी सरकार हो उसके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, तो यह पॉइंट पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है कि संविधान में इनका वर्णन नागरिकों के पालन के लिए नहीं होता है, इसका वर्णन राज्य से होता है, इसका संबंध राज्य से होता है। तो यह जो DPSP है यह नागरिकों के पालन के लिए नहीं है, यह राज्य के पालन के लिए है, राज्य को इसका पालन करना है, तो यह ध्यान देना है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि यह राज्य के लिए एक तरह के आदेश है, यह राज्य के लिए एक तरह के आदेश है, पर इनका पालन करना या ना करना राज्य की मर्जी पर निर्भर है। राज्य को यह आदेश है लेकिन पालन करना या ना करना यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, राज्य के संसाधन पर निर्भर करता है। अगर राज्य को संसाधन हुआ तो वह उसका पालन करेगा, अन्यथा उसका पालन नहीं करेगा, तो यह ध्यान देने की जरूरत। चौथा जो पॉइंट है वह यह है कि राज्य के लिए इन आदेशों का अर्थ इतना ही है कि जब सरकार कानून बनाए उन कानूनों को यथासंभव इन तत्वों के आधार पर बनाने का प्रयास किया जाए। कहने का अर्थ यह हुआ कि राज्य जब भी कानून बनाएगा तो राज्य इसको ध्यान में रखकर कानून बनाएगा, बिना इसके संपर्क का, बिना इसके, कहने का मतलब हुआ कि बिना इसके संपर्क में आए राज्य कानून नहीं बनाएगा। तो राज्य जो कानून बनाएगा वह इन्हीं तत्वों के आधार पर बनाने का प्रयास करेगा। और अंतिम पॉइंट जो है वह यह है कि आधुनिक राजनीतिक वातावरण में मूल अधिकार जो दिए गए हैं संविधान में नागरिकों को वो पर्याप्त नहीं है, तो उनमें कुछ और अधिकारों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा लगता है। तो इसी अभाव की पूर्ति नीति निदेशक तत्व करता है। तो ये है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व में पांच महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है हमारे लिए नीति निदेशक तत्व का महत्व, ये समझने की जरूरत है। तो हम इस पर आप लोगों को जोर दिए हैं, तो ये समझिए तो क्या है नीति निदेशक तत्व। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो यह है कि नीति निदेशक तत्व जो है इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में हुआ है, नीति निदेशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में हुआ है। तो भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व का उल्लेख मिलता है। तो नीति निदेशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है, आंसर होगा भाग 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? आंसर होगा भाग 4। फिर इसी तरह किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो संविधान में रखे गए हैं वो किस देश के संविधान से प्रभावित है? आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। तो आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर हमारे संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व को रखा गया है। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो ध्यान देना है कि आयरलैंड के संविधान में जो इसको शामिल किया गया है वह लिया गया है स्पेन के संविधान से। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि आयरलैंड के संविधान से भी पहले यह स्पेन के संविधान में उल्लिखित था। स्पेन के संविधान से लिया गया आयरलैंड के संविधान में और आयरलैंड के संविधान से लिया गया भारत के संविधान में। तो भारत के संविधान में कहां से प्रभावित होकर राज्य के नीति निदेशक तत्व को रखा गया? आंसर होगा हमारा आयरलैंड के संविधान से। अब एक प्रश्न यहां पर हम लोग कर सकते हैं कि नीति निदेशक तत्व का उल्लेख विश्व के किन किन देशों के संविधान में है? तो 4 देश हैं जिसके संविधान में नीति निदेशक तत्व का उल्लेख मिलता है। फर्स्ट है स्पेन, पहला स्पेन, दूसरा आयरलैंड, तीसरा वर्मा और चौथा भारत। तो ये 4 देश हैं जिसके संविधान में नीति निदेशक तत्व का उल्लेख मिलता है। अब जो अगला पॉइंट है वह यह है कि नीति निदेशक तत्व का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है संविधान में नीति निदेशक तत्व को रखने का? उद्देश्य क्या है? तो इसके 2 उद्देश्य हैं। फर्स्ट है हमारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना और दूसरा जो है वह है सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना। तो 2 उद्देश्य हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व के। 2 उद्देश्य हैं। फर्स्ट है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और दूसरा सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना। तो ये 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान में शामिल करने का। तो यहां से क्वेश्चन बराबर आप लोग को पूछा जाता है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह यह पूछा जाता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक किसे माना जाता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है, माना जाता है। ये प्रश्न पर गौर करने की जरूरत है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक जो है वो डीपीएसपी को माना जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वह सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक है। दूसरा जो प्रश्न यहां से पूछा जाता है वह यह है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसमें निहित है
कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसमें निहित है, तो ये फिर हम लोगों को ध्यान रखना है। इसका भी आंसर होगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भारत के संविधान के किस भाग में निहित है, आंसर होगा भाग चार। किसमें निहित है, आंसर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा प्रश्न जो यहां से बार बार पूछा जाता है वह है गांधी जी की विचारधारा। गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा संविधान के किस भाग में दिखाई देता है, संविधान के किस भाग में दिखाई देता है, किस भाग में दिखाई देता है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसका भी आंसर होगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो गांधी जी की विचारधारा संविधान के किस भाग में, तो डीपीएसपी में। और अगर भाग पूछ दे भाग दो, भाग तीन, भाग चार, आंसर होगा भाग चार, भाग फोर। तो ये हम लोग को ध्यान में देने की जरूरत है। ये तीन प्रश्न नीति निदेशक तत्व से बार बार आप लोगों को पूछा गया है और मेरी समझ से अब आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन पर थोड़ा और ध्यान देना है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी के नैतिक दर्शन का, गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रभाव, गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रभाव किस अनुच्छेद में दिखाई देता है, किस अनुच्छेद में दिखाई देता है, किस अनुच्छेद में दिखाई देता है। तो इसका कौन कौन अनुच्छेद महत्वपूर्ण है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो फर्स्ट है अनुच्छेद 40, फर्स्ट है अनुच्छेद 40 गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव किस अनुच्छेद में दिखाई देता है, आंसर होगा अनुच्छेद 40 जिसका विषय है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किए जाने की बात है नीति निदेशक तत्व में, या गांधी जी के नैतिक प्रभाव का संबंधित अनुच्छेद है। दूसरा जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 43 इसका विषय है ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। तो यह है अनुच्छेद 43 ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। अगला जो अनुच्छेद है वह है आपका अनुच्छेद 47 47 अनुच्छेद 47 इसका जो विषय है वह है मद्यपान निषेध, मद्यपान निषेध, मद्यपान निषेध। तो अनुच्छेद 47 जो है वह है मद्यपान निषेध। यह भी गांधी जी के प्रभाव है, गांधी जी के नैतिक प्रभाव है राज्य के नीति निदेशक तत्व पर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48 48 अनुच्छेद 48 गौवध पर प्रतिबंध, गौवध पर प्रतिबंध। तो यह है अनुच्छेद 48 गौवध पर प्रतिबंध। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वह है फिर अनुच्छेद 48 ही, और इसमें दिया गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, पशुपालन का संगठन। तो यह इंपॉर्टेंट है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो गांधी जी के नैतिक प्रभाव इन्हीं अनुच्छेदों पर नीति निदेशक तत्व में दिखाई पड़ता है, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूपीएससी में, तो यह अब आप लोग को ध्यान रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यह बनता है
कि यह जो है नीति निदेशक तत्व, इसका प्रकृति क्या है, प्रकृति नेचर क्या है, प्रकृति प्रकृति, तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रकृति क्या कैसा है। तो आंसर होगा गैर न्यायोचित, गैर न्यायोचित, गैर न्यायोचित। तो जो नीति निदेशक तत्व का प्रकृति है वह है गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित का अर्थ होता है कि उनके हनन पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, उनके हनन पर इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि इसकी जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है, और इसका अर्थ होता है कि अगर नीति निदेशक तत्व का सरकार उल्लंघन करता है, हनन करता है, तो इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे मौलिक अधिकार है, अगर सरकार उसका उल्लंघन करता है तो उसे राज्य द्वारा, उसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, लेकिन नीति निदेशक तत्व ऐसे नहीं है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि ये गैर न्यायोचित है। एक्चुअली इसकी जो पृष्ठभूमि है वो यह है कि जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे श्री बीएन राव, उन्होंने व्यक्तिक अधिकार को दो भागों में बांटने का सलाह दिया था। व्यक्तिक अधिकार को दो भागों में बांटने का सलाह दिया था, एक था न्यायोचित और दूसरा था गैर न्यायोचित, एक न्यायोचित और दूसरा गैर न्यायोचित। तो ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो न्यायोचित है यह भाग तीन और मौलिक अधिकार और गैर न्यायोचित जो है यह है भाग चार और डीपीएसपी, शॉर्टकट में कह देते हैं डीपीएसपी। तो ये जो व्यक्तिगत अधिकार है इसको दो भागों में बांटने का सलाह दिए थे संवैधानिक सलाहकार, और प्रारूप समिति ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। तो ये जो न्यायोचित वाला पार्ट है यह भाग तीन में रखा गया और गैर न्यायोचित वाला पार्ट भाग चार में रखा गया। तो ये है इसकी पृष्ठभूमि। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह यह है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में कई संविधान विशेषज्ञों का स्टेटमेंट है इसके संदर्भ में। उस स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट जो कई बार आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। ये बहुत परीक्षोपयोगी स्टेटमेंट है और बार बार ऐसा पूछा गया। तो नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में एक स्टेटमेंट जो आप लोग को याद रखना है, जो काफी परीक्षोपयोगी है, उस पर ध्यान दीजिए। तो वह स्टेटमेंट है कि नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान करना या ना करना, भुगतान करना या ना करना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, इच्छा पर निर्भर करता है।
नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान करना या ना करना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ये स्टेटमेंट है नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में, और यह स्टेटमेंट दिया गया है केटी शाह द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया केटी शाह द्वारा। तो ये जो नीति निदेशक तत्व है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पार्ट फर्स्ट में लेकर आए हैं। मेरी समझ से यहां से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और अब सब प्रश्न का जवाब देने में आप सक्षम हैं। ध्यान से देखें, और जब भी आप इस वीडियो को देखें तो कॉपी और पेन लेके बैठे और फिर नोट्स बनाएं, खुद अपना नोट्स बनाएं, बार बार रिवाइज करके वीडियो को देखें, तो फिर आपको यहां से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। अब जो अगला पार्ट होगा वह यह होगा कि नीति निदेशक तत्व का जो उल्लेख 36 से 51 तक के अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में क्या बातें कही गई है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। इस बार हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट लेकर आए। तो धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। इसी तरह आप लगे रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर सामने आएंगे। धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट तो जरूर करें। यह मेरा बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद मित्रों।